हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है ए करंट कैरिंग वायर फ्रेम इज इन द शेप ऑफ ए डिजिट। ठीक है, इट इज कैरिंग करंट आई नोट। इफ रेडियस ऑफ ईच लूप इज आर नोट, देन द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द फिगर अपने को कैलकुलेट करना है। तो जो करंट फ्लो रहा है इस ए डिजिट की फ्रेम से वो है आई नोट। ठीक है, तो ये इस तरीके से फ्लो होगा। मान लो यहाँ से ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे वापस आएगा और फिर इस तरीके से फ्लो होगा वापस। ओके, दोनों की रेडियस क्या है? आर नोट। अब अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट मान लेता हूँ एम वन, इसकी वजह से एम टू। तो एम वन क्या हो जाएगा? आई नोट इंटू ए, आई नोट इंटू पाई आर नोट स्क्वायर। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी राइट हैंड थंब रूल से, इस तरीके से कर्ल करेंगे अपन फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, यानी कि डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। अब एम टू क्या होगा? एम टू हो जाएगा आई नॉट इंटू ए, और सेम वही आई नॉट इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम होगा एम वन एम टू का, और डायरेक्शन जो होगी वो होगी अपवर्ड। क्यों होगी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अपन कर्ल करेंगे फिंगर को, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन है अपोजिट है। तो एम नेट आ जाएगा एम वन माइनस एम टू, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एम वन माइनस एम टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है।